जितना नकारात्मक इम्पैक्ट इस एडॉक व्यवस्था से हम लोगों के जीवन पर पड़ा है आप सोच नहीं सकते। आप कल्पना कीजिए कि दूसरे यूनिवर्सिटी में जहाँ पे अपॉइंटमेंट हुए हैं, हमारे ही साथी जिन्होंने जिन्होंने अपॉइंटमेंट ली है अदर यूनिवर्सिटीज़ में, वो आज एसोसिएट प्रोफेसर हैं, एक स्टेबल जीवन जी रहे हैं, जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए जीवन जीने के लिए वो तमाम चीज़ें उनके पास अब मौजूद हैं। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले 10 से 12 वर्षों में नियुक्ति प्रक्रिया कभी नियमित रही नहीं और एडहॉक व्यवस्था ने लगभग 5,000 क्वालिफाइड टीचर्स को उनके जीवन को नरक बना दिया है। आप सोचिए कि जिस आदमी को, जिस शिक्षक को ये नहीं पता कि अगले 4 महीने बाद उसे रिज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो नौकरी में है या नहीं है, वह अपना 100% क्या क्लासरूम में दे पाएगा? फैमिली का इम्पैक्ट तो आप छोड़ ही दीजिए, तो उसके निजी ज़िंदगी पर, उसके पारिवारिक जीवन पर क्या बीतती है ये आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इससे सबसे अधिक जो प्रभावित होता है वो टीचिंग प्रभावित होता है। मतलब जो टीचर्स हैं वो टो पे खड़े रहते हैं, तो उनको हर वक्त इस बात का टेंशन होता है कि कहीं मेरी जॉब ना चले जाए। मैं सही बात तक बोल नहीं पाता हूँ, क्योंकि अगर मैं सही बात बोला कहीं किसी को बुरा लग गया, और एडहॉक की नौकरी इस हालत पे चलती है कि मेरा चेहरा तक अगर किसी को अच्छा नहीं लगा तो मैं नौकरी से जा सकता हूँ, इतना तक भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस तो वैसे भी अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं कोई क्राइटेरिया नहीं है। देखिए, होता यह है कि एक जो एस्पिरेंट है वो नेट क्लियर करता है, ठीक है, उसके बाद वो अपना एमफिल में लगेगा, पीएचडी में लगेगा, ठीक है, उसके बाद वो एक्सपेक्ट करता है कि उसे जॉब मिल जाएगा, ठीक है, कम से कम सरकार इतनी तो अरेंजमेंट करेगी उसके लिए कि उसको जॉब मिल जाएगी। लेकिन होता ये है कि वो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है और तमाम दूसरे विश्वविद्यालयों में जब वो जाता होगा, वे जाती होगी, तो वो लोग फंस जाते हैं इस एडहॉक के चक्कर में और कॉन्ट्रेक्चुअलिज्म के चक्कर में, और चार चार पाँच पाँच साल, आठ आठ साल, दस दस साल, कुछ टीचर्स तो मतलब रिटायर हो गए एडहॉक बेसिस पे। तो आप खुद समझ सकते हैं जो टीचर रिटायर हो रहा है एडहॉक बेसिस पे उसके लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स आए होंगे, बच्चों की पढ़ाई है और तमाम चीज़ें हैं। कुछ कुछ टीचर्स अपना निजी ज़िंदगी में से मैरिज है फॉर एग्जांपल, उसे डिले कर देते हैं। कुछ जो प्रोस्पेक्टिव मदर्स हैं वो अपना फैमिली प्लानिंग को डिले कर देती हैं, यू नो दे वेट फॉर अ पर्टिकुलर मोमेंट, राइट मोमेंट कि वो परमानेंट हो जाए, उसके बाद उनको मैटरनिटी लीव मिलेगा। वुमेन को मैटरनिटी लीव नहीं मिलता है अभी, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम होता है। अभी डिलीवरी हुआ, नेक्स्ट डे उनको ज्वाइनिंग करना पड़ सकता है, अदरवाइज जॉब लूज कर सकते हैं। विमेन टीचर्स की ही अगर हम बात करते हैं तो उनके साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दैट इज़ मैटरनिटी लीव। ठीक है, अगर आप न्यूली मैरिड हैं या फिर आप ये सोचते हैं कि आप फैमिली के बारे में सोचें तो आप ये चीज़ नहीं सोच पाते हैं, और बहुत सारे मेरी कलीग्स ऐसी हैं जो ये चीज़ नहीं सोच पाती हैं जस्ट बिकॉज कि उनको मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगा। और बिना मैटरनिटी लीव के आप एक छोटे से बच्चे को जस्ट पैदा करके ऐसे छोड़ करके नहीं जा सकते हैं, दैट इज़ वेरी मच अनएथिकल। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत हैम्पर करती है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें लोगों ने के बेबीज़ हुए हैं और उन बेबीज़ को वो जस्ट 10 डेज़ में छोड़ करके अपनी अपनी जॉब ज्वाइन करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर ज़्यादा डिले होगा तो उनकी जगह किसी और को रख लिया जाएगा। हमारी जो पर्सनल लाइफ है उसका जो सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल पर्सपेक्टिव है उस पर उसको समझने का ज़रूरत है। इकोनॉमिकली तो जैसे चल रहा है चल ही रहा है, बट जो अब हम बिहार से आए थे, यहाँ पर हम JNU में पढ़े और सबकी उम्मीदें बहुत अलग तरह की थी। अब हमारी ये स्थिति है कि हम प्रॉब्लम ऑफ नो प्रॉब्लम में चल रहे हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है ना वो हम किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं। अब हम घर में ये बता नहीं पा रहे हैं कि हम किस स्थिति में यहाँ पर हैं, है ना, क्योंकि अगर हम घर में बताएंगे तो माता पिताजी अलग टेंशन में होंगे कि इसका तो जॉब जो है वो हर 4 महीने पे ख़त्म होने वाली स्थिति में होता है, कुछ पता नहीं होता है। आप जो सैलरी है वो भी टाइम से नहीं मिलता है। एडहॉक टीचर्स का जो हालत है उस पर मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपना बताता हूँ कि अब 25 मई को लास्ट सैलरी मिली थी और अभी तक अब कोई पैसा जो है बीच में छुट्टियों में नहीं मिला, वो एक साथ मिलता है समर सैलरी इन ग्रेशियस नाम पे।
अब वो समर सैलरी मिलेगा अगस्त में, इस 3 महीने में कैसे ज़िंदगी जिएंगे? देखिए, जैसे हम लोग हर 4 महीने पे रिज्वाइनिंग का प्रोसेस आता है, लोग छुट्टियां मना रहे होते हैं और हम सड़क पर हैं। ये आप जो पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वो एडहॉक रिज्वाइनिंग का प्रोटेस्ट भी है। अगर हम लोग परमानेंट होते तो हम बच्चों के लिए जो आगामी जो सेशन आने वाला है, एकेडमिक सेशन जो बनने वाला है, हम उसको और बेहतर तरीके से तैयारी करते, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जाते, हम नए रिसर्च की ओर जाते। लेकिन हो क्या रहा है, हमें ज्वाइनिंग मिलेगी या ना मिलेगी हम इस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं, हम उसके लिए सड़क पर खड़े हैं। तो ऐसी अवस्था में टीचिंग प्रभावित हो, ये तो स्वाभाविक ही है।